वेलकम टू स्नेहाज टीचिंग। तो केवीएस का जो रिजल्ट का मैंने कल इन्फॉर्मेशन दिया, जो वीडियो बनाया वो फेक है। वो मैम तो गलत इन्फॉर्मेशन डालती है अपने चैनल पे, मैम का तो इतना ही काम है, मैम तो बस आती है कुछ भी बोल देती है, मैं तो अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। अरे भाई कर लो, मतलब जिसे जो मुझे नहीं जानता है, जो इतने दिन से मेरे साथ पढ़ाई नहीं किए हो, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। पहली बात तो मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ, क्या मैं केवीएस डिपार्टमेंट से हूँ? आप लोग सबसे पहले बताओ और एक बार उस वीडियो को क्लिक करो और वो चेक करो कि मैंने उसमें क्या बोला है। मैंने बोला है कि सुनने में आया है कि केवीएस की रिजल्ट आ गई है। क्या मैं केवीएस के डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ? क्या मैं केवीएस के डिपार्टमेंटल मेंबर हूँ जो मैं ये बात कह सकती हूँ? मुझे भी सुनने में आया, आप में से ही कोई स्टूडेंट कमेंट करके बताते हो मुझे कि मैम केवीएस का रिजल्ट आया है या मैम ऐसा हुआ है, तो मुझे पता चलता है। जरूर किसी ने, किसी स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी होगी बाय मेल या फिर बाय व्हाट्सएप या किसी भी थ्रू, जो मुझे सब सुनने में आया कि केवीएस का रिजल्ट आया है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि फेक है फेक है फेक है, जाओ पता कर लो। बहुत से लोगों को कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है बच्चा। जो लिस्ट है वो एक दो दिन में अपडेट हो जाएगी वेबसाइट पे। जो लोग ये बोल रहे हैं ना वेबसाइट पे आई नहीं है, वो भी आ जाएगी, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इतना ही यार बोलते हो ना फेक है मैम तो कुछ भी लेके आ जाती है मैम को, तो भाई अब ऐसा है ना कि जिसे जो बोलना है उनको तो बोलना ही है। और मैं तो कोई केवीएस डिपार्टमेंटल मेंबर हूं नहीं, मैंने तो आप सबका इंटरव्यू लिया नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। मैं कोई गलत गन जानकारी नहीं देती हूँ, मुझे भी जो सुनने में आता है मैं वही बोलती हूँ। अगर मुझे जो जिसने सुनाया या जिस जहां से मुझे सुनने में आया अगर वही इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है तो मैं, रिलेवेंट नहीं है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। सीधी सी बात है, मैं भी कहीं से सुन के ही बताती हूँ क्योंकि मेरी कनेक्शन कोई केवीएस के हेडक्वार्टर से तो है नहीं, ठीक है। मुझे किसी ने बताया तो हाँ मैं वही बताती हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मैं उठा के ले आती हूँ, ठीक है, मैंने गलत चीज बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ गलत बताया। जो लोग को नहीं पता है आप लोग जाके पता कर लो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। जो अभी ज्योति ने भी मुझे कमेंट किया, मेरी बहुत ही स्पेशल सब्सक्राइबर मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो मेरे से शुरू से जुड़ी हुई है। उन्होंने बोला मैम रोजगार मेले के लिए कॉल आ रहा है, ठीक है, तो कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। रिजल्ट भी अपडेट हो ही जाएगा, एक दिन या दो दिन, जितना भी दिन आप रख लो यार हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन द प्रोसेस है चीजें, ठीक है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। इससे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फेक है, ठीक है। फेक यहाँ मैं फेक का कोई काम नहीं कर रही हूँ या कोई फेक चैनल नहीं है, ठीक है। जिसको लगता है ना कि कोई फेक चैनल है, जाके आप यार एक बार देख लो कि कितने वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं केवीएस की हेल्प के लिए। और आज अगर मैं 90 वीडियोस आप लोग को पढ़ाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुझे तो बोलने का भी मन नहीं करता है कुछ चीजें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ाई करवाऊं, ठीक है। और आफ्टर 90 और 100 वीडियोस एक वीडियोस मैं बताऊं जिसमें मुझे सुनने में आया कि ऐसा हुआ है, अरे भाई ऐसा नहीं हुआ है तो आप बोल दो कि मैम मे बी आपको गलत जानकारी होगी, मे बी चांसेस है। अभी इंटरव्यू लिस्ट नहीं आई है, अभी क्या है कि कॉल्स आने शुरू हुए हैं। ये तरीका होता है कमेंट का। पर होता क्या है ना कि जो हमारे ट्रॉलर्स है ना, जिन्हें बहुत ही मजा आता है किसी टीचर की इमेज को डाउन करने में, उनको परेशान करने में, तो वो क्या करते हैं ना कि वो आएंगे कमेंट करेंगे, बहुत सारी बद्दी बद्दी बातें लिखेंगे और फिर चले जाएंगे और लिख देंगे कि मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज के बाद मैं ये चैनल नहीं देखूंगा। और सीक्रेटली सरप्राइजिंगली वो अनसब्सक्राइब भी नहीं करते और अगली बार मैं देखती हूँ कि वो लोग नजर भी रख रहे हैं। गजब के लोग हो भाई आप लोग, तो भाई अच्छी बात है, ठीक है, मुझे खुशी होती है। मैं अपने जो ऐसे लोग हैं ना उनको मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आसपास रहो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। और जितने भी कमेंट करना है करो, इस बार मेरे डिजेबल भी नहीं है, जितनी भी बातें करनी है करो, एक टीचर को जितना बोलना है बोल लो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यार इन्फॉर्मेशन का दुनिया है, इन्फॉर्मेशन मैं गलत भी दे सकती हूँ, हो सकता है, चांसेस है, बट इस बार तो गलत भी नहीं था। अब लोग जबरदस्ती बोल दें कि गलत फेक न्यूज़ दिया वो अलग बात है, गलत तो नहीं था ना। मुझे जहां तक पता चला कि हाँ रिजल्ट आनी शुरू हो गई है, मुझे सुनने में आया है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला क्या मैं डिपार्टमेंट से हूं कि हाँ जी ये बात सच है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो भाई एक्सप्लेनेशन हर चीज का देना मुझे पसंद नहीं है, बट कभी कभी कुछ लोग, बस आदत है किसी लोगों को बस मजा आता है किसी दूसरे को परेशान करने में।
तो इस बार तो मैंने किसी के कमेंट को भी डिलीट नहीं किया भाई। देखो जाओ पढ़ो और देख लो कि किस तरह से लोग किस हद तक लिखते हैं, कितनी नफरत होती है कुछ लोगों को सिर्फ एक उस इंसान से जो बस पढ़ाई कराता है, ठीक है, और उसे कुछ सुनने में आया, वो बोला तो बस वो कहते हैं ना कि वो बात में सच्चाई है पर लोगों को झुठलाना है, ठीक है। खैर मुझे इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं देनी है, जिसको जो समझना है समझो भाई। फेक न्यूज मैंने दी थी कल, ठीक है, फेक न्यूज है, फेक चैनल है मेरा, अनसब्सक्राइब करो और जाओ, ठीक है, यहाँ पे मत रहो, ठीक है। और खैर जो मुझे समझते हैं उनके लिए थैंक यू, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और DSSB पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि DSSB की तैयारी करेंगे करेंगे पर अभी कर नहीं पा रहे हैं, बट सुन, बट आप लोग मुझे एक आइडिया देना कमेंट में आज कि DSSB के लिए मैं किस चीज़ से स्टार्ट करूँ। मतलब मैं थ्योरी पढ़ाऊँ, 6 to 8 की साइंस पढ़ाऊँ, पेडागोजी पढ़ाऊँ, आप लोग की क्या रिक्वेस्ट है। और जो आज के टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया, यार ये अब बहुत पुरानी हो चुकी है, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, एक बार और हुआ था, मैंने बोला था जून में KVS का रिजल्ट आएगा, उस पर भी पता नहीं क्या नफरत जाग गई थी लोगों में, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों का कॉमेंट भी आया था। तो भाई ये सब चीज़ें चलती रहती है, मैं एक टीचर हूँ, मैं कई बार इन्फॉर्मेशन देती हूँ और वो इन्फॉर्मेशन कई बार गलत निकल जाती है, आधी सही निकल जाती है, कई बार सच भी हो जाती है, कई बार सही रहती है तो लोगों को गलत लगता है, तो ये सब चीज़ें चलता रहता है। तो जो मुझे चाहते हैं वो लोग टेंशन ना लें, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। और फिलहाल अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और DSSB पे ध्यान दें, और KVS वाले थोड़ा इंतज़ार करिए, कॉल आने शुरू हो गए हैं, 1-2 दिन में अपडेट भी हो जाएगा, और वेट करते हैं हम लोग। और कभी भी अगर आप लोग को लगे कुछ भी न्यूज़ मिले तो मुझे आप ही लोग से पता चलता है, ज़रूर मुझे बताइए, कॉन्टेक्ट कीजिए, मुझे मेल कीजिए या फिर मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या अपडेट है अभी का, क्योंकि ऑलवेज मुझे जब भी खबर मिलती है मुझे आप सबसे मिलती है और बहुत रेलिवेंट मिलती है, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को बहुत चुभती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।